थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का 28 लेक्चर है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मिली मशीन के बारे में। तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मिली मशीन और मूरी मशीन को समझा था। इस वाले लेक्चर में हम लोग मिली मशीन का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है कंस्ट्रक्ट अ मिली मशीन डेट प्रोड्यूसेस द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग। सपोज हम लोग के पास बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग है 10100, तो हम एक ऐसा मिली मशीन बनाना है कि जो जो करस्पॉन्डिंग इनपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करे। तो सपोज हम लोग के पास इनपुट ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 0 1 1। ठीक है, तो बनाते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेट जो रहेगा ए, जब भी इसको इनपुट मिले 0 तो वो आउटपुट 1 प्रोड्यूस करे, और जब भी इसको इनपुट मिले 1 तो आउटपुट वो 0 प्रोड्यूस करे। तो ये हम लोगों ने बना दिया एक मिले मशीन। तब चेक करते हैं इसको, क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं 0 1 का। तो जैसे ही हम लोग इस मशीन में 0 पास करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट यहाँ 1 मिल रहा है। और जैसे ही 1 मिल रहा है आउटपुट और ए पे आ रहा है, और फिर इसको हम लोग इसमें 1 पास कराते हैं, तो फिर दोबारा से वो ए पे आ रहा है, आउटपुट ही प्रोड्यूस कर रहा है 0। तो 0 1 पे हमें 10 मिल गया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इस दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, कंस्ट्रक्ट अ मिली मशीन डेट प्रिंट्स ए वेन एवर द सिक्वेंस 0 1 इज इनकाउंटर्ड इन एनी इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब कि जब भी 0 1 सिक्वेंस, जो भी 0 1, जैसे हम लोग पास सेट ऑफ जो इनपुट है, यानी कि जो डेल्टा हम लोग के पास है 0 1 है, तो इसमें कह रहा है कि जब भी सिक्वेंस ऑफ 0 1 मिले हमें, तो ही ये आउटपुट ये प्रोड्यूस कर दे ए। तो हम लोग सेट ऑफ आउटपुट से यहाँ पे दे रहे हैं डेल्टा, जो कि है ए बी। सपोज कोई स्ट्रिंग, हम लोग पास एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हम लोग के पास स्ट्रिंग है 10 01, तो यहाँ पे 0 1 का एक सीक्वेंस आ गया, जो जो इस पूरे स्ट्रिंग का जो लास्ट आउटपुट होगा वो हमारे पास ए होगा। हमें एक ऐसा मिली मशीन प्रोड्यूस करना है, बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग DFA बनाते हैं इसका, और उसको हम मिली मशीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग ऐसा DFA बनाते हैं जो कि सीक्वेंस 0 1 को एक्सेप्ट करे, और सीक्वेंस 0 1 आते ही वो एंडिंग में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा DFA बनाते हैं जो सीक्वेंस 0 1 को एक्सेप्ट करे। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट में आते हैं ए। ए को जैसे ही इसको 0 इनपुट मिलेगा, तैसे ही वो नेक्स्ट स्टेट बी में आएगा, और बी को जैसे ही 1 मिलेगा, तैसे ही वो नेक्स्ट स्टेट सी में आएगा। एक और बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिली मशीन में कभी भी फाइनल स्टेट नहीं होता DFA की तरह मिली और मूरी मशीन में। तो यहाँ पर सी जो है फाइनल स्टेट हमारे पास नहीं रहेगा। सी को जैसे ही इनपुट 0 मिलेगा, तैसे ही वो बी में आ जाएगा। क्या पता बी में आने के बाद से इनपुट उसको 1 मिल जाए। और सी को जैसे ही इनपुट अगर 1 मिलता है, सी को अगर इनपुट यहाँ पे 1 मिलता है, तो वापस से ए में आ जाएगा, ताकि 0 1 उसको वापस से मिले। बी को अगर यहाँ पे इनपुट यहाँ पे 0 मिलता है, तो बी पे यहाँ पे रहेगा। ए को अगर इनपुट 1 मिलता है, तो यहाँ पर ए पर ही रहेगा। तो हम लोगों ने बना दिया। अब जो आखिरी स्टेट हमारे पास ये है, ये सी है, और आखिरी इनपुट हमारे पास क्या है, 1 है। 0 1 का सीक्वेंस है, तो 0 1 का सीक्वेंस आ गया। आखिरी सीक्वेंस में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो आखिरी जो यहाँ पे इनपुट है 1 है, तो हमें आउटपुट क्या प्रोड्यूस करना है, ए प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट ए लिखेंगे, बाकी सब के लिए हम लोग आउटपुट यहाँ पे बी कर देंगे, क्योंकि अगर बीच में कहीं एंड होता है तो बी प्रोड्यूस करेगा। ए तभी प्रोड्यूस करेगा जब आखिरी स्ट्रिंग यहाँ 1 होगी और पहले वाली स्ट्रिंग 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे मिली मशीन ड्रॉ कर लिया। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल, इसमें हम लोग इस पूरे मिली मशीन में हम लोग यहाँ पे इनपुट यहाँ पास कराते हैं हम लोग 1 1 0 1। अब देखते हैं ये ए प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे स्टार्टिंग स्टेट में ये ए में है, ए में है। इसको जब इनपुट यहाँ 1 मिलेगा, इनपुट 1 मिलने पे ये ए पे जा रहा है, और आउटपुट यहाँ पे बी प्रोड्यूस कर रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट हमारे पास 1 है, फिर इनपुट 1 मिलने पे ये ए पर आ रहा है, और आउटपुट बी प्रोड्यूस कर रहा है। फिर नेक्स्ट इनपुट 0 है, जैसे इसको 0 मिला, तैसे ये बी पे आ रहा है, और आउटपुट यहाँ पे स्मॉल बी प्रोड्यूस कर रहा है। फिर नेक्स्ट इनपुट 1 है, बी को जैसे ही यहाँ पे 1 मिला, बी को जैसे ही 1 मिला, तैसे ये सी पे आ रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है ए। तो लास्ट आउटपुट हम लोग का ए है, जो कि हम लोग को ले आना था। तो ये हम लोग का बिल्कुल सही मिली मशीन ड्रॉ हुआ है। ठीक है, होप सो आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।